जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज तक आपने उसे गहने लत्ते पैसे सब दिए, पर आज के बाद सोना ही क्या, घर का एक दाना भी मुझसे पूछे बगैर उसे मत देना। ये मंगलसूत्र आपने मुझे अग्नि को साक्षी मानकर पहनाया है, इस पर मेरा अधिकार है। आपके नाम का मंगलसूत्र और किसी के गले में नहीं जा सकता, और ये सब अगर आपको मंजूर है तभी इस घर की दहलीज लांघिए, नहीं तो चलो सब अंदर चलो। सरिता, ओ सरिता, क्या हुआ दीदी, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुमको क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्या हुआ क्या, देख रही है ना घर में क्या हो रहा है? अरे अभी जो घर में चल रहा है ना वो सब ठीक चल रहा है। आई भी वही कर रही है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या कर रही है आई? बाबा के सामने लक्ष्मण रेखा खींची क्या, शर्तें रखी क्या? पर मुझे एक बात बताइए दीदी, आप अपने बाबा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है ना, और आई आपसे भी ज्यादा उन्हें पहचानती होंगी, फिर वो उन पर इतना भरोसा कैसे कर रही है? आज तक आपने उसे गहने लत्ते पैसे सब दिए, पर आज के बाद सोना ही क्या, घर का एक दाना भी मुझसे पूछे बगैर उसे मत देना। Thank you.
जाए। आई ने शर्तें तो रखी, पर आई के पीठ पीछे बाबा क्या क्या करते हैं ये आई को कैसे पता चलेगा? इतने दिन आई को अंधेरे में रखा, इसके आगे क्या करेंगे कुछ कह सकते हैं क्या? अरे इंसान के असली स्वभाव को कभी बदला जा सकता है क्या? नहीं ना, तो हमें अपनी ही कोशिशें करनी पड़ेंगी। आई, रोटी आप सेकेंगी क्या कि मैं ही सेक लूं? सरिता, बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, जो सुनना था वो सुन लिया मैंने। इनके सामने जो शर्तें रखी वो पूरी हो इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। उन्हें पाटन करवाए के यहाँ जाना है तो जाने दे, वो रुकेंगे नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं मैं मेरे घर को बर्बाद होने दूं। इस घर का एक दाना उस घर में नहीं जाएगा इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। इसलिए अब तुम इस बारे में चर्चा करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरा घर और तुम सबको मैं अकेले संभाल लूंगी। छाया, चाय पी ली होगी तो सरिता के साथ रोटियां सेक लेना। ए मौसी, आई अभी आई। अरे अरे वहां क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए ना, बैठिए। क्या फर्क पड़ता है यहाँ बैठ गया तो? बैठिए बैठिए, ऊपर बैठिए बैठिए। कोई चिट्ठी आई है क्या? चिट्ठी नहीं आई, पर सोचा ऐसे ही मिलने आ जाऊं। ऐसे ही ना? हाँ मौसी, अब कितने दिन बचे हैं? अब रिटायर होने के बाद कहाँ मिलने का मौका मिलेगा? फिर कोई और आ जाएगा। अरे दूसरा पोस्टमैन चिट्ठी तो ला देगा, पर वो आपकी तरह घर का सदस्य थोड़ी ना बन जाएगा। आप कैसे भाई की तरह हालचाल पूछते हैं, ऐसा लगता है मायके से कोई आया है। इसीलिए तो बहन के नाते आया हूँ तुम्हारे पास, एक मदद चाहिए थी। मदद? हाँ, ये साड़ियाँ ली हैं, ये मेरी आई के लिए ली। रंग उसे समझ नहीं आते, उसे दिखाई नहीं देता ना। तुम देखकर बताओ कैसी है। हाँ, और ये बच्ची के लिए। मुझे साड़ियों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, रंग भी अच्छा है। अब देखना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।